पास तो पानी नहीं पहुंच रहा है, होने के बाद भी चीजें तो नहीं मिल रही है ना, उसके लिए पंचायत को थोड़ी जिम्मेवारी। सायला में साधारण सभा की बैठक आयोजित, पानी बिजली व सड़कों के साए रहे मुद्दे। सायला कस्बे के पंचायत समिति सभागार हॉल में साधारण सभा की बैठक जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य अतिथि एवं प्रधान ढोमी देवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी सीमा तिवाड़ी, उप जिला प्रमुख पैपी देवी एवं उप प्रधान अनुराधा कंवर मौजूद रहे। बैठक के प्रारंभ में नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों का शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात विकास अधिकारी आवरदान सारण ने बैठक शुरू की। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक गर्ग ने कहा कि कोरोना काल में सभी के सहयोग से महामारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। अब टीकाकरण कार्य भी शुरू हो गया है। टीकाकरण के संबंध में फैली भ्रांतियों एवं अफवाहों को रोककर टीके लगवाएं, जिससे कोरोना महामारी को खत्म किया जा सके। उन्होंने आगामी एक साल के अंदर सायला पंचायत समिति क्षेत्र में सभी विद्यालयों को पानी एवं विद्युत कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश भी दिए। बैठक में बैरठ सरपंच सेल सिंह राजपूत ने स्कूल में प्रिंसिपल लगाने, बैरठ बाकरा रोड की मरम्मत करवाने, ओटवाला सरपंच दीपाराम ने जर्जर स्कूल की मरम्मत करवाने, खरल स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पानी भराव की समस्या का समाधान करने, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेरता स्कूल का रास्ता खुलवाने, हेल्पर की कमी एवं प्रेशर के अभाव में जलापूर्ति में बाधित होने, रेवतरा ओटवाला रोड बनवाने की मांग की। जिला परिषद सदस्य रमेश राणा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनरोग को क्रमोन्नत करवाने एवं जर्जर विद्यालय भवन की मरम्मत करवाने की मांग की। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य सरोज चौधरी ने समिति क्षेत्र में बाहर प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त करने, रिक्त पदों भरने की मांग की। पंचायत समिति सदस्य जबर सिंह सुहान ने सायला के माड़ियों की वाड़ी स्थित जीएलआर में पेयजल आपूर्ति नहीं होने, सायला गोलिया में निर्माणाधीन सी सड़क में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने सहित मांग उठाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं गिनाई, जिस पर जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग व प्रधान ढोमी देवी ने जल्द समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान तहसीलदार मदाराम पटेल, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपाल राम, सहायक अभियंता जितेंद्र तोमर, BCMO रघुनंदन विश्नोई, CBO फुलसन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता AK माथुर, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रूपेंद्र सिंह, डाबली सरपंच हनुमान देड़ू, शांति देवी सोनी, कमलेश कंवर, मीरा देवासी, इनायती बानू, उत्तम सिंह जीवाणा सहित कई सरपंच व जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। ये होता है कि वो जीएलआर बनाने के बाद उनका इंटरकनेक्शन नहीं करती, तो जीएलआर बने हुए खाली खाली पड़ते हैं। तो अब उसकी उन पाइपलाइन सारी मेंटेनेंस पंचायत पर इस तरह पड़ रही है, वो कर नहीं पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम। लोगों के पास तो पानी नहीं पहुंच रहा है, होने के बाद भी चीजें तो नहीं मिल रही है, उसके लिए पंचायत को थोड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। पंचायत बोलती है हमारे पास कोई फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके मेंटेनेंस के मेरे पास ना तो स्टाफ है ना मटेरियल मिल पाएगा मेरे को। पब्लिक को तो चीज नहीं मिल रही है पर फिर भी नहीं आ रही है, इसीलिए कह रहा हूं पंचायत साहब सहयोग करेंगे तभी होगा, अन्यथा मैं आपके देना भी नहीं दूंगा। फिर यही होगा, आप चाहते हैं हमारे गांव के लिए पाइपलाइन लगे या सुविधा हो तो फिर हम वो नहीं देंगे, क्योंकि मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। मेरा निवेदन ये है कि अभी नेक्स्ट में आपके पास जब भी कोई एनओसी के लिए व्यक्ति आता है आप उससे अंडरटेकिंग लेके, पुरानी मेरे गांव में जितनी भी बनी हुई टंकियाँ हैं ऑलरेडी वो पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं और पानी की सप्लाई भी सुचारू रूप से हो रही है, फिर अपन आगे दें, अन्यथा नहीं दें। ये जो भी जैसे हम लोग जो भी देते हैं उसमें